हम लोग देखेंगे डिसीजन ट्री एल्गोरिथम ओके तो इंट्रोडक्शन टू द इंफॉर्मेशन गेन इसके बारे में हम लोग फर्दर uh, वीडियोज में डिटेल में विद एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे आज हम पूरा पूरा डिसीजन ट्री इस तरह से कवर करेंगे ताकि आपको बेसिक आइडिया हो जाए कि डिसीजन कि, ट्री किस तरह से काम करता है इसके लिए हमें क्या पैरामीटर्स को कैलकुलेट करने की

यस yes. जो आपके पास ये प्रिंसिपल्स में मैंने एंड गेन लिखा हुआ है इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो जरूर आपको पोस्ट करूंगी कि हाउ टू कैलकुलेट द इन तो आज मैं आपको यस जरूर मैं बताऊंगी कि इन को कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड इन्फॉर्मेशन गेन को कैसे कैलकुलेट करते हैं फाइन तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट ओके सो so, स आपके पास प्रॉब्लम किस तरह की आती है बेसिकली आपके पास दो तरह की प्रॉब्लम आती है एक होता है क्लासिफिकेशन और एक होता है प्रोडिक्शन ठीक है क्लासिफिकेशन एंड प्रोडिक्शन दीज आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम क्वेश्चन किस तरह से होगा गिवेन अ सेट ऑफ ट्रेनिंग केसेस ऑब्जेक्ट्स मतलब आपको एक ट्रेनिंग uh, केस या ट्रेनिंग केसेस दिए होंगे या ट्रेनिंग डेटा गिबिन होगा जिसमें ढेर सारे एट्रीब्यूट होंगे एंड यू हैव टू डिटरमाइन यू हैव टू डिटरमाइन द टारगेट एट्रीब्यूट वैल्यू ऑफ न्यू एग्जाम्पल राइट right? तो अभी मैं पूरा पूरा दिखाऊंगी कि किस तरह से आपके पास uh, ट्रेनिंग ऑब्जेक्ट्स uh, होंगे ट्रेनिंग केसेस या ट्रेनिंग डेटा कैसा होगा और आपसे किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे तो आपको बस इतना दिमाग में रखना है कि वी आर गोइंग टू डील विद द टू टाइप ऑफ प्रॉब्लम क्लासिफिकेशन एंड प्रडिक्शन ओनली राइट ओके तो आप यहाँ पे देखिए जैसे आपके पास ये डेटा है ठीक है जो प्रीवियस गेम से हमने गैदर किया है मीन्स दिस इज आर ट्रेनिंग डेटा ठीक है इस ट्रेनिंग डेटा को आगे लर्नर के पास जा रहा है ठीक है और वो लर्नर क्या कर रहा है कि आगे के जो गेम्स होंगे उससे रिलेटेड ये प्रोडिक्शन या क्लासिफिकेशन कर रहा है कि किस तरह से क्या आंसर हुआ क्या आउटकम होगा फाइन तो चलिए देखते हैं कि वॉट इज नीड ऑफ डिसीजन ट्री वाई वी नीड डिसीजन ट्री सो डिसीजन ट्रीज आर पावरफुल एंड पॉपुलर टूल फॉर क्लासिफिकेशन एंड प्रोडिक्शन प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था कि चाहे आप क्लासिफिकेशन की बात करें और चाहे प्रोडिक्शन की बात करें दोनों में आपको एक ट्रेनिंग डेटा प्रोवाइडेड होगा ठीक है उस ट्रेनिंग डेटा के बेस पे आपको एक न्यू डेटा जो दिया जाएगा उसका आपको आउटकम बताना पड़ेगा राइट तो अब हम अगर इसकी बात करें डिसीजन डिसीजन ट्री ट्री तो इज वेरी पॉपुलर एंड पावरफुल टूल फॉर द क्लासिफिकेशन एंड प्रोडिक्शन तो डिसीजन ट्री अगर आपसे पूछा जाए कि हमें किस तरह की प्रॉब्लम्स को हैंडल करता है वाई इट इज नीडेड टू सो इट इज नीडेड टू सॉल्व द क्लासिफिकेशन सॉरी क्लासिफिकेशन एंड प्रोडिक्शन प्रॉब्लम राइट सो नेक्स्ट पॉइंट इज कि डिसीजन ट्री रिप्रेजेंट रूल्स मींस आप जो डिसीजन ट्री फॉर्म होगा उसको आप रूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या वो जो डिसीजन ट्री होता है वो एक रूल को रिप्रेजेंट करता है रिप्रेजेंट रूल्स कैन कैन सॉरी बी अंडरस्टूड बाय ह्यूमंस एंड यूज्ड इन नॉलेज सच एज डेटाबेस ठीक है तो कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए जैसे आप जब भी लर्निंग करते हैं तो जो भी आप इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं लाइक आपको एक ट्रेनिंग डेटा गिवन हुआ ठीक है जैसे आपको ट्रेनिंग डेटा गिवन है ठीक है तो उस उससे आप जो भी डेटा करते हैं उसको आप अपने नॉलेज बेस में स्टोर करते हैं फिर जब आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है तो उस नॉलेज बेस का और जो आपके पास लर्निंग एल्गोरिथम जो आप फॉलो कर रहे हैं उसके बेसिस पे आप अपना डिसीजन देते हैं लाइक आप क्लासिफिकेशन या प्रेडिक्शन जो भी करना है उसके लिए आप आंसर करते हैं राइट एक सेकेंड डिसीजन तो ट्रीज क्या करते हैं रूल्स को रिप्रेजेंट करते हैं जिनका काम होता है कैन बी अंडरस्टूड बाय ह्यूमंस जिसे ह्यूमन भी समझ सकते हैं और जिसे आप नॉलेज बेस में स्टोर भी कर सकते हैं या डेटा बेसिस में स्टोर भी कर सकते हैं सो डिसीजन ट्री फॉर्म करने के लिए आर की रिक्वायरमेंट्स ठीक है डिसीजन ट्री अगर आप बनाना चाहते हैं तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसकी बात कर लेते हैं सो फर्स्ट यू हैव टू नो द एट्रीब्यूट वैल्यू डिस्क्रिप्शन ठीक है जैसे ट्रेनिंग डेटा आप कई सारे एट्रीब्यूट के साथ आएगा उसमें कई सारी वैल्यूज होंगी वैल्यूज के भी बहुत सारे आपके पास कैटेगरीज हो सकते हैं सो यू शुड कंप्लीटली नो द एट्रीब्यूट वैल्यू डिस्क्रिप्शन सेकंड वन इज प्री डिफाइंड क्लासेस और टारगेट वैल्यूज तो आपके ट्रेनिंग डेटा में एट्रीब्यूट्स और उन एट्रीब्यूट के बेसिस पे क्या क्लासेस आ रही हैं क्या टारगेट आ रहा है वो भी पता होना चाहिए And the training data should be sufficient agar अगर आपके पास sufficient data nahi नहीं होगा then you will not able to predict the answer. अगर आप पहले से कुछ क्लासिफिकेशन टास्क के बारे में अवेयर हैं, तो आई डोंट थिंक कि आपको इस पर मुझे ज़्यादा मेहनत करानी पड़ेगी बट स्टिल आई शो यू द आंसर एंड लेट मी रीड दिस दीज कंटेंट्स सो एट्रीब्यूट value डिस्क्रिप्शन इसकी बात करें ऑब्जेक्ट और केस मस्ट बी एक्सप्रेसिबल इन टर्म्स ऑफ फिक्स कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट ठीक है लाइक हॉट मिल्ट एंड कोल्ड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द वेदर कंडीशन राइट एंड डिफाइंड क्लासेस लाइक द टारगेट फंक्शन हैज डिस्क्रीट आउटपुट वैल्यूज लाइक बुलियन और मल्टी क्लास आई शो यू द एग्जाम्पल राइट सो बे जैसे मैं एक एग्जाम्पल कर दू की बेस्ड ऑन द एट्रीब्यूट हम जो है किसी भी ह्यूमन बींग को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं मतलब किसी भी क्रीचर को इंसान को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं कि वेदर दैट दैट इनपुट दैट एट्रीब्यूट इज डिफाइनिंग अनिमल एनिमल और अमूमन राइट right? इन दोनों में हम कैटेगराइज करें तो दीज आर टू क्लासेस कि आपको जो भी दिए जाएंगे उसके बेसिस पे आप जो भी आपको इनपुट में क्रीचर दिया जा रहा है उसको आप दो पार्ट में मिनिमल सॉरी uh, या ह्यूमन बींग में डिफाइन कर पाएंगे तो ये आपके प्री डिफाइंड क्लासेस है जो आपको ट्रेनिंग डेटा से मिलने चाहिए राइट right? सो सफिशियंट डेटा अगर आपके पास सही डेटा या सफिशियंट अमाउंट ऑफ डेटा नहीं प्रोवाइड किया जाएगा ट्रेनिंग डेटा यूल नॉट एबल टू फाइंड द करेक्ट नॉलेज राइट एन ऑफ ट्रेनिंग शुड बी प्रोवाइडेड टू लर्न द मॉडल फाइन ओके सो आ सिंपल एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू गैस द आउटकम ऑफ नेक्स्ट वीक्स गेम बिटवीन द मैल एंड चिन ठीक है तो अवेलेबल नॉलेज मेरे ख्याल से मैं एग्जाम्पल से बात करूँ इट विल बी बेटर फॉर यू Yes. Right? रिजल्ट so these, these so, भी कह सकते हैं राइट है, है, right? तो आपके पास प्री डिफाइंड क्लासेस होनी चाहिए तो आपके पास देखिये क्या क्या आउटकम आ रहे हैं मेरे पास मुझे दो तरह के आउटकम देख रहे हैं वी आर है एक है वन मींस जीतेगा या फिर हारेगा लॉस्ट ठीक है जीता या हारा, और, और ये किन के बेसिस पर डिफाइन हो रहा है, दीज आर दिब्यूट ठीक है कि जॉय का क्या डिफेंस रहा कौन अपोनेंट था ऑपसी उप, क्या है जॉय ऑफेंस क्या है फ्रिड स्टार्ट कब हो रहा है स्टार्ट हो रहा है नहीं हो रहा है कब हो रहा है और कहाँ हो रहा है ठीक है सो दीज आर एट्रीब्यूट जिसके बेसिस पे हम ये ये कर रहे हैं कि को, कोई जीत रहा है 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 कौन कौन सी टीम और कौन सी और हार रही ठीक है। है? So मैंने मैंने देखिए देखिए अभी जो मैंने बताया आपको एट्रीब्यूट वैल्यू डिस्क्रिप्शन मिल गया जैसे मैंने बताया फर्स्ट पार्ट ये वाला ठीक है ये एट्रीब्यूट वैल्यू डिस्क्रिप्शन है एंड प्री डिफाइंड क्लासेस है ना इसी की बात कर रहे थे एक सेकेंड आर डिफाइंड क्लासेस की वॉर्न और लॉस्ट राइट right? तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सो so, देखिए अवेलेबल नॉलेज या एट्रीब्यूट के बारे में अगर डिटेल में समझना है तो यहाँ से देख सकते हैं वाज द गेम एट होम और अवे मतलब घर पे हो रहा था गेम या कहीं बाहर हो रहा था किस टाइम पे स्टार्ट हो रहा था ठीक है कि जो जॉय है वो सेंटर में प्ले कर रहा था या फॉरवर्ड प्ले कर रहा था ठीक है ओपोनेंट सेंटर टॉल है या नहीं है इन बेसिस इन सारे बेसिस पे हम डिसाइड कर रहे हैं कि कोई भी जो टीम है वो गेम को जीतेगी या हारेगी सो आई हैव शोन यू द सैंपल डेटा राइट दिस इज सैंपल डेटा ओके तो इसे इस तरह का आपका ट्रेनिंग डेटा होना चाहिए तो तीन चीजें आपके पास इनपुट एट्रीब्यूट आउटपुट एंड इसके साथ सफिशियंट अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग डेटा होना चाहिए चलिए और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा यही सारे एट्रीब्यूट आपको गिवेन होंगे ठीक है इनके पास आहार एट्रीब्यूट के करस्पोंडिंग देखिए कुछ-कुछ वैल्यूज प्रोवाइडेड है व्हेन एट 9 एम अवे नो एंड जॉय ऑफ एन सेंटर है फॉरवर्ड है जॉय का जो डिफेंस है फॉरवर्ड है सेंटर है या अपोनेंट टॉल है स्मॉल है तो उसके बेसिस पे आपसे पूछा जाएगा व्हाट शुड बी आउटकम एंड दिस इज अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम जनरलाइजिंग द लर्नड रूल टू न्यू एग्जांपल्स ओके सो अब हम आते हैं क्या क्या चीजें होनी चाहिए नाउ कम टू पार्ट डिसीजन ट्री नाम है तो ऑलरेडी आपने ट्री वगैरह में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि ट्री आपका एक हरिकल मॉडल होता है जिसमें आप पेरेंट चाइल्ड फॉर्म में चीजों को अरेन्ज करते करके रखते हैं अब यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उसकी बात कर लेते हैं सो डिसीजन ट्री इज अ क्लासिफायर ऑब्वियसली इट इज अ क्लासिफायर इन द फॉर्म ऑफ अर ट्री स्ट्रक्चर ओके okay. इसके बारे में हमने बात कर ली कि ये ट्री स्ट्रक्चर में होगा एंड नाउ डिसीजन नोड्स डिसीजन नोड्स क्या क्या होंगे भाई अगर एक ट्री स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है ठीक है तो इसमें देखिए ऑब्वियसली यहाँ पे नोड्स हैं एंड एजेस हैं तो क्या किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है हम उसकी बात करेंगे अब ठीक है तो डिसीजन नोड किस चीज को रिप्रेजेंट करेंगी स्पेसिफाई द टेस्ट ऑन अ सिंगल एट्रीब्यूट ठीक है किसी भी एट्रीब्यूट पे किस एट्रीब्यूट पे आप टेस्ट कर रहे हैं वो आपका क्या डिफाइन करेगा डिसीजन नोड लीफ नोड लीफ नोड जो होते हैं वो आपके क्लासेस को इंडिकेट करते हैं राइट इंडिकेट द वैल्यू ऑफ द टारगेट एट्रीब्यूट पहले समझिए जो आपके इंटरनल नोड जिसे आज तक आप कह रहे आए हैं कहते आए हैं या फिर जिसे आप डिसीजन नोड कह रहे वो क्या है वो जो है एट्रीब्यूट है मीन्स लेट मी शो यू डिसीजन नोड क्या होंगे सॉरी uh, uh, हाँ डिसीजन नोड

डिसीजन ठीक है अभी अब जैसे एग्जाम्पल पे आएंगे तो इट विल बी मोर क्लियर टू यू सर डिसीजन ट्री क्लासीफाई द इंस्टेंसेज और एग्जाम्पल्स बाई स्टार्टिंग एट द रूट ऑफ द ट्री एंड मूविंग थ्रू इट अंटेल अ लीव नोट मींस हम एक किसी भी नोट जो आपको ट्रेनिंग डेटा में जितने भी एट्रीब्यूट से किसी एट्रीब्यूट से हम स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम तब तक आगे फॉरवर्ड बढ़ते जाएंगे जब तक हम लीफ नोट पे ना पहुंच जाए या फिर जब तक हम किसी क्लास पर नहीं पहुंच जाए टारगेट पर नहीं पहुंच जाए सो लेट सी द डिसजन ट्री ठीक तो हमने देखिये यहां पर हमने बना तो दिया है एक एक्साम्पल वन सेकेंड

वेन वी आर गोइंग टू डिजाइन अ डिसीजन ट्री एंड जब आपको खुद से डिसीजन ट्री को बनाना होगा तो आपके पास क्या क्या चैलेंजेस है लेट्स टॉक अबाउट दैट सो सबसे पहले सबसे पहला क्वेश्चन कि हम किस नोड से स्टार्ट करें ठीक है जैसे यहाँ पे इन्होंने सारी चीजें एनालाइज करके सब कुछ समझ के बता दिया है लेकिन हमारे पास जब हम ये काम करने चलेंगे तो हमारे पास पहला क्वेश्चन होगा कि हमें कौन से नोट हमारे पास भाई कितने एग्जाम्पल जो हमारे पास ट्रेनिंग डेटा है इसमें कितने एट्रीब्यूट है हमारे पास कई सारे एट्रीब्यूट है वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है सिक्स एट्रीब्यूट्स हैं तो हम कौन से नोड से स्टार्ट करें पहला क्वेश्चन राइट right? इसके बाद आपने मान लीजिए रूट नोड को डिसाइड कर लिया आई हैव टोल्ड यू या किसी ने हिंट कर दिया या आपको कोई मेथड पता है जिससे आपने रूट को डिसाइड कर लिया देन आगे भी जब आपको ट्री को बनाना है तो आगे भी स्टेप बाय स्टेप आपको ये सोचना होगा कि हम किस एट्रीब्यूट के साथ जाएं क्योंकि हमें जो है डिसीजन ट्री को जितना छोटा से छोटा हो सके हमें स्मॉल डिसीजन ट्री बनाना है हमें चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है और अगर आपका ये सिलेक्शन प्रॉपर नहीं होगा अगर आप सही रूट नहीं सेलेक्ट करते हैं या अगले

ठीक है मीन्स आप कहाँ से स्टार्ट करें मतलब किसको सेलेक्ट करें रैंडम स्प्लिट की बात करें तो आ, हम किसी को भी रूट नोट बना लें रैंडम मीन्स हम कोई भी कोई फॉर्मूला कोई स्पेशल मेथड नहीं यूज कर रहे हैं लेकिन हम रैंडमली किसी को भी रूट बना ले रहे हैं किसी को भी डिसीजन नोट बना ले रहे हैं और आगे प्रोसीड करते जा रहे हैं विदाउट एनी कैलकुलेशन सो व्हाट आर ड्रॉबैक्स ट्री कैन ग्रो ह्यूज मतलब आपका जो ट्री है वो बहुत बड़ा हो जाएगा ठीक है तो अगर आपको इंडक्टिव बायस वगैरह का कुछ आइडिया है तो मतलब ड्रॉबैक्स भी होते हैं अगर आपने ट्री बहुत बड़ा बना दिया तो इट इज़ नॉट यूजफुल टू यू राइट एंड दीज ट्रीज आर हार्ड टू अंडरस्टैंड अगर आपने बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया ट्रीज आर हार्ड टू अंडरस्टैंड वी कैन नॉट मेक गुड रूल्स आउट ऑफ दैम एंड लार्जर ट्रीज आर टिपिकली लेस एक्यूरेट दैन स्मॉलर ट्रीज सो दिस इज द पॉइंट एंड प्रिंसिपल्ड क्राइटेरिया रैंडम स्प्लिट की तो बात हो गई है रैंडम स्प्लिट की बात हो गई है पर वी नीड सम प्रिंसिपल्ड कुछ बेस क्राइटेरिया उसकी बात कर लेते हैं ठीक है सो उसके लिए हमारे पास दो मेथड है फर्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन गेन फर्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन गेन एंड सेकेंड वन इज एंट्रोपी ठीक है इन्फॉर्मेशन गेन एंड एंट्रॉपी ये दो सारी चीजें होती हैं ठीक है थीके, तो इन दोनों के फॉर्मूला है मतलब जैसे हम पहले रैंडम मेथड पे जा रहे थे तो अब तो हम किस पे आ रहे हैं एक आ, उस पे आ रहे हैं मतलब एक हम प्रिंसिपल्ड क्राइटेरिया या फॉर्मुलेटेड वे पे आके ठहर रहे हैं तो वो हमारे इंफॉर्मेशन गेन और इंट्रॉपी है और मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप रैंडम स्प्लिट को प्रेफर करें बट दैट इज वन मैथड राइट सो सेलेक्शन ऑफ एन एट्रीब्यूट टू टेस्ट एट ईच नोट चूजिंग द मोस्ट यूजफुल एट्रीब्यूट फॉर क्लासीफाइंग द एग्जाम्पल ये आपका प्रिंसिपल क्राइटेरिया बताता है एंड इन्फॉर्मेशन गेन दोनों के अपने अपने फॉर्मूला है एंड आई रिपीट कि मैं इंफॉमेशन गेन एंड इंट्रॉफी से रिलेटेड एक सेपेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको एग्जाम्पल्स उसके यूजेज ये सारी चीज़ें मैं बहुत अच्छे से क्लियर करूंगी एग्जाम्पल के साथ विथ कैलकुलेशन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ राइट right? फिर भी हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं इन्फॉर्मेशन गेन गेन मेजर्स हाउ वेल एन एट्रीब्यूट सेट द ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स अकॉर्डिंग टू द टारगेट क्लासिफिकेशन मींस ये क्या मेजर करता है कि कोई भी एट्रीब्यूट है वो कितने अच्छे तरीके से आपके आ, जो आपका ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स है उसको डिवाइड कर रहा है टारगेट क्लासिफिकेशन के रिस्पेक्ट में ठीक है एंड दिस मेजर इज यूज्ड टू सेलेक्ट अमंग द कैंडिडेट एट्रीब्यूट एट ईच स्टेप व्हाइल गोइंग द ट्री दूसरा है आपका एंट्रोपी ठीक है सो अ मेजर ऑफ एंट्रोपी

ठीक है सम टारगेट कंसेप्ट और ये कह रहा है कि हमारे पास दो कुछ टू क्लास प्रॉब्लम है एंट्रोपी ऑफ सेट एस रिलेटिव टू द बाइनरी क्लासिफिकेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे माइनस पी मीन्स आपके पास जो नेगेटिव एग्जाम्पल्स कैपिटल पी लॉग टू पी पॉजिटिव एग्जाम्पल्स और ब्रेकेट में कैपिटल पी इसका मैं पूरा यह फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए अगर आपको एग्जाम के परस्पेक्टिव से पढ़ रहे हैं और इसका इसको मैं पूरा एक्सपांड करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके मैं आपको ज़रूर बताऊँगी सो माइनस पी फॉर पॉजिटिव एग्जाम्पल्स एंड स्मॉल पी फॉर सॉरी माइनस पी फॉर नेगेटिव एग्जाम्पल एंड पी फॉर पॉजिटिव एग्जाम्पल्स राइट माइनस लगाए ओवियसली निगेटिव की बात हो रही है और कैपिटल पी इज रिप्रेजेंटिंग द होल सेट राइट एंड दिस इज़ अ फॉर्मूला टू फाइंड द एंट्रोपी राइट एंड इसी तरह हमारा इन्फॉर्मेशन गेन का भी फॉर्मूला होता है तो बहरहाल देख लीजिए इसका एक एग्जाम्पल भी है कि अगर हमारे पास ट्वेंटी फाइव एग्जाम्पल्स है जिसमें से पंद्रह पॉजिटिव एंड टेन नेगेटिव हैं तो कैसे कैलकुलेट करेंगे तो टोटल माइनस फिफ्टीन अपॉन ट्वेंटी फाइव लॉक टू अपॉन पॉजिटिव एग्जाम्पल्स मतलब फिफ्टीन अपॉन ट्वेंटी फाइव माइनस अच्छा यहाँ पर डिवीजन वाला साइन मैंने ध्यान नहीं दिया ओके okay, मैंने डिवीजन वाला साइन नहीं दिया नहीं दिस दिस इज इज अपॉन बी राइट नेक्स्ट सो देखिए फॉर्मूला लिखते uh, टाइम्पल एंड है आपके नेगेटिव एग्जाम्पल लॉक टू पॉजिटिव एग्जाम्पल अपॉन टोटल टेन नेगेटिव एग्जाम्पल अपॉन टोटल एग्जाम्पल लॉक टू लॉक टू फिर नेगेटिव एग्जाम्पल अपॉन ट्वेंटी नेक्स्ट आते हैं अब Uh, some intuitions about the entropy. The entropy is zero if the outcome is certain, and the entropy is maximum if we have no knowledge of the system uh -huh, uh, or any outcome is equally possible. Thieke? So, this is the diagram. और ये सारी चीज़ें मैं फिर से कह रही हूँ इंट्रॉपी इन्फॉर्मेशन गेन आई डिस्कस क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो आई नो ये आपके लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि आप एक बार में पूरा कंटिन्यू कर पाएँ इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये थोड़ा सा छोटा ही रहे एंड नेक्स्ट वन इज़ इन्फॉर्मेशन गेन मेजर्स द एक्सपेक्टेड रिडक्शन इन इंट्रॉपी और अनसर्टेनिटी ठीक है इंट्रॉपी इज़ uh, आप इसे स, uh, अनसर्टेनिटी से समझिए तो इंफॉर्मेशन uh, गेन क्या मेजर कर रहा है इट इज़ मेजरिंग द एक्सपेक्टेड रिडक्शन कि आपके इंफॉर्मेशन गेन मेजर करता है कि आप अनसर्टेनिटी में कितना रिडक्शन कर पा रहे हैं ठीक है ठीके? और इसके लिए जो फॉर्मूला इन्होंने प्रपोज किया है दैट इज गेन एस विद एट्रीब्यूट ए इज इक्व टू एंट्रोपी माइनस दिस पार्ट तो आप ये फॉर्मूला देख सकते हैं एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि हमें आगे भी इसको डिस्कस करना है एंड लेट मी टेल यू वैल्यू ए इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज फॉर एट्रीब्यूट ए एंड एस वी इज द सबसेट ऑफ एस फॉर विच एट्रीब्यूट एज वैल्यू वी एस वी इज इक्वस्ट एस इन एज एफ एस इज इक्वस टू वी एंड यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट द फर्स्ट टर्म इन द इक्वेशन फॉर गेन इज जस्ट एंड ट्रॉपी ऑफ द ओरिजिनल कलेक्शन

ठीक है अच्छा अब दोनों में देखिए कि देखिए ये सारे पॉइंट्स हम आगे भी डिस्कस कर सकते हैं बट लेट मी टेल यू कि जैसे जब एंट्रोपी की बात करते हैं ठीक है थीके? जैसे आपने दो एट्रीब्यूट एक्स और वाई है दोनों का एंट्रोपी फाइंड करा ठीक है तो जब हम एंट्रोपी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं या स्प्लिटिंग करते हैं डिसीजन ट्री स्प्लिटिंग क्राइटेरिया है कभी कभी ये भी क्वेश्चन बनता है व्हाट आर डिफरेंट स्प्लिटिंग क्राइटेरिया ऑफ डिसीजन ट्री तो एक हो गया आपका रैंडम स्प्लिट एक हो गया आपका इंट्रॉपी एक हो गया इंफॉर्मेशन गेन ठीक है इंफॉर्मेशन गेन ठीक है तो ये तो आपका रैंडम है बिल्कुल और इंट्रॉपी uh, का क्या है कि अगर आपने दो एट्रीब्यूट का इंट्रॉपी कैलकुलेट करा तो जिसकी इंट्रॉपी कम आ रही होगी आप उसको प्रेफर करेंगे फॉर स्प्लिटिंग ठीक है लेकिन जब हम इंफॉर्मेशन गेन की बात करते हैं अगर आपने एक्स और वाई का दोनों का क्या कैलकुलेट करा इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करा तो जिसका इंफॉर्मेशन गेन ज्यादा आ रहा होगा हम उसको प्रेफर करेंगे ट्री को फर्दर स्प्लिट करने के लिए तो आई रिपीट रैंडम वाले में तो आपको कुछ कंसीडर ही नहीं करना है इंट्रॉपी जिस एट्रीब्यूट की कम होगी हम उसे चूज करेंगे कि हम इसका यूज करके हम स्प्लिट करें इंफॉर्मेशन गेन जिस एट्रीब्यूट का ज्यादा होगा हम उसके बेसिस पे स्प्लिट करेंगे सो so, देखिए हमने एग्जाम्पल लिया है कि वेयर और अवे सॉरी वेयर का जो एंट्रोपी वन सेकेंड प्रीवियस वेयर के लिए एनट्रॉपी जो इन्फॉर्मेशन गेन है वो कैलकुलेट करें और वन के लिए अगर हम इन्फॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करें एग्ज़ाम्पल मैं भी इस पर फोकस नहीं कर रही हूँ देखिए अलग अलग मैंने बता दिया है वेयर के बेसिस पे हमने एन को सॉरी इन्फॉर्मेशन गेन को कैलकुलेट करा है ठीक है एंड वेन uh, के बेसिस पे आपका इन्फॉर्मेशन गेन कैलकुलेट किया जा रहा है सो देखिए इन्फॉर्मेशन गेन पॉइंट थ्री फाइव आ रहा है किसमें वेन uh, के लिए ठीक और जब हम uh, इसमें शायद ऐड करना भूल गए हैं वन सेकेंड आगे कहीं लिखा होगा जरूर इंफॉर्मेशन गेन शायद मैंने ऐड करना मैं भूल गई सॉरी फॉर दैट बट इसका इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट किया वेन का एंड वेयर का और डिसीजन क्या लेंगे कि नोइंग द व्हेन एट्रीब्यूट टू वैल्यू प्रोवाइड्स लार्जर इंफॉर्मेशन गेन दैन वेयर मतलब जो वेन एट्रीब्यूट वैल्यू है है ना मतलब जो वेन वाला एट्रीब्यूट है इसका इंफॉर्मेशन गेन वेयर के कंपेरिजन में ज्यादा है इसलिए हम स्प्लिट करने के लिए किसको सेलेक्ट करेंगे वेन को जिसका इंफॉर्मेशन गेन ज्यादा होगा जैसे पहले ही बताया है सो so, इसी तरह आगे भी जब आपको एट्रीब्यूट को यूज करना होगा तो हर बार आपको इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करना होगा मैं एग्जाम्पल से बताऊंगी कैसे आपको डिसीजन ट्री कैलकुलेट करना है एंड लेट्स टॉक अबाउट द स्टॉपिंग रूल एवरी एट्रीब्यूट हैज ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड है दिस पाथ थ्रू द ट्री और

और आज आपका जो डिसीजन ट्री बन चुका है वो आपके जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो वो सारी पॉसिबिलिटीज को कवर करना चाहिए ठीक है और आपका जो आप हर एक एट्रीब्यूट को कवर करते हुए आप लीफ नोड तक पहुंच गए हैं तो आपको रुक जाना है ठीक है सो ट्रेनिंग एग्जांपल एसोसिएटेड विद दिस लीफ नोड ऑल हैव सेम टारगेट एट्रीब्यूट वैल्यू एंड एवरी एट्रीब्यूट हैज ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड अलोंग दिस पाथ थ्रू द ट्री ठीक है सारे एट्रीब्यूट को आपने इंक्लूड कर लिया है और आपने जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं सबको कवर कर लिया है और सारे आपने टारगेट एट्रीब्यूट्स को भी कवर किया है सो दैट्स ऑल अबाउट द डिसीजन ट्री आई विल से कि आप परेशान ना हो मैं ज़रूर आपको इन और और इंफॉर्मेशन गेन का कैलकुलेशन मेथड और डिसीजन ट्री को फॉर्म कैसे करते हैं ये भी मैं ज़रूर बताऊंगी सो दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ प्लीज़ डू लाइक्स सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो Thank you. Bye bye. Take care.